अस्थमा की। अस्थमा अमूमन हमारे पास तीन तरह के पेशेंट्स की सूरत में आता है। For the latest update, press the subscribe button and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर बख्त अजीज़ है एंड करंटली मेरा आई एम वर्किंग इन जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन द ENT डिपार्टमेंट। मेरा ताल्लुक शोबाए नाक कान गले से पिछले 15 साल से है। आप लोगों को थोड़ी सी इंट्रोडक्शन आज अस्थमा के बारे में मैंने देनी थी। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो हम बच्चों में भी देखते हैं और बड़ों में भी देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वॉट इज़ अस्थमा। सांस इंसान नाक से लेता है एंड इट गोज़ इनटू द लंग्स, जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं। एंड देयर इज़ अ पैसेज, एक कम्युनिकेशन है, एक पाइप है जो ये हवा नीचे लंग्स तक लेके जा रहा है। जब ये पाइप सिकुड़ जाता है या ऑटोमेटिकली इस पाइप में सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, इन दो वजूहात की वजह से सांस लेने में तकलीफ महसूस करता है बंदा। एंड दिस प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग कैन आइदर बी इन फॉर्म ऑफ वीस, जिसे हम एक नॉइजी ब्रीदिंग कहते हैं, या सांस में शोर की सूरत में आना शुरू हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली द पेशेंट हिमसेल्फ वुड बी अनकम्फर्टेबल, उसको सांस नहीं आता। इसकी रीजंस क्या है, क्या वजह है? बिल्कुल जुवेनाइल बच्चे, छोटे बच्चे जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज़ एडल्ट ऑनसेट, एट टाइम्स पेशेंट 18-19 साल का हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ सम हैज़र्ड, जहां वो काम कर रहा है वहां गर्द गुबार इतनी है जिसकी वजह से ही डेवलप्स अस्थमा। नंबर 3 इज़ ऑलवेज एलर्जिक अस्थमा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं दे बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ एलर्जिक अस्थमास। नाउ व्हाट इज़ एलर्जी? एलर्जी यही होती है कि कोई अनवांटेड आइटम, जब आपके इस ट्रैक में, सांस की नाली वाले ट्रैक में कोई अनवांटेड आइटम आ जाता है, उसकी वजह से सांस की नाली सिकुड़ जाती है, सांस में दुश्वारी होती है, सांस में शोर आना शुरू हो जाता है एंड ऑटोमेटिकली एक्सेस ऑफ सिक्रीशंस, एक लुआब बनना शुरू हो जाता है सांस की नाली में, जिसकी वजह से सांस में दुश्वारी बढ़ना शुरू हो जाती है। इसका तरीका इलाज बिल्कुल है जी। अस्थमा इज़ ट्रबलसम फॉर द पेशेंट्स बिकॉज ना उस वक्त वो सांस कंफर्टेबली ले सकते हैं और इस सांस ना लेने की वजह से उनकी पैल्पिटेशंस, दिल की धड़कन भी ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाती है एंड ही फाइंड्स डिफ़िकल्टी इवन इन वॉकिंग एंड टॉकिंग। नाउ ऑल अस्थमाज आर ट्रीटेबल और इनको ट्रीट करने के लिए 2-point स्ट्रैटेजी है। देर इज़ अ शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट एंड देन देर इज़ अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में हमारे पास मेडिसिंस हैं, बहुत से हमारे पास स्टीरॉयड्स हैं, इनहेल्ड स्टीरॉयड्स, ओरल स्टीरॉयड्स एंड स्टीरॉयड्स इन द फॉर्म ऑफ द रोटा कैप्सूल्स जो आजकल अवेलेबल हैं। इसी तरीके से हमारे पास लाबाज आर बीटा एगोनिस्ट्स, एक ख़ास स्पेसिफाइड मेडिकेशन है जो दी जाती है दमे के मरीजों के लिए ताकि उनके तमाम सिम्टम्स बेहतर हो जाएं एंड दे आर कंफर्टेबल इन ब्रीदिंग एज वेल। थर्डली देर इज़ अ कैटेगरी ऑफ ड्रग्स जिन्हें हम ब्रोंकोडायलेटर्स कहते हैं, दे कम इन टू द कैटेगराइजेशन ऑफ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। जिन लोगों में सांस की नाली का जो रास्ता है वो बहुत फ्रेजाइल है, दे आर प्रोन टू हैव दिस एस्थमेटिक प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ, और उसके लिए ऑटोमेटिकली 2-point स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। पहले उनसे कहा जाता है कि अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, कोशिश करें कि जो एलर्जेंस इन द फॉर्म ऑफ पेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मोक, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स जहाँ वो काम कर रहे हैं, धुआं वगैरह, उससे एहतियात करें। नंबर 2, ऑटोमेटिकली ये ब्रोंकोडायलेटर्स इन द फॉर्म ऑफ थियोफाइलिन हम दी जाती है ताकि ऑटोमेटिकली द सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर टेकन केयर ऑफ। एंड माशाल्लाह इट इज़ नॉट ए लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ अनलेस, जब तक आप प्रॉपर मेडिकेशन ना लें। आधे से ज़्यादा अस्थमा के मरीज सिर्फ दवाइयों से बहुत हद तक बेहतर हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ अपना सफ़र वापस रवाना हो जाता है उनका। सो हम थ्रू द चैनल ऑफ मरहम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए रिक्वेस्ट करेंगे फॉर ऑल ऑफ दोज पेशेंट्स जिन्हें सांस लेने में दुश्वारी है, बच्चे जिनको खांसी आती है, दोज हु गो इन टू सम सॉर्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मुंह खोल के सो रहे हैं, सांस ठीक नहीं आ रहा, या एडल्ट ऑनसेट अस्थमास, ऑल ऑफ दीज अस्थमास विद अर्ली प्रोग्नोसिस एंड ऑटोमेटिकली बेटर इंटरवेंशन आर हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। सो हमारी रिक्वेस्ट थ्रू दिस प्लेटफॉर्म यही होगी कि अपनी एक प्रॉपर इवेल्यूएशन कराएं
ताकि हम आपको वो दवाइयाँ जस्टिफाई कर दें जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को वापस ले आए एंड यू आर एबल टू बेयर द नॉर्मल ब्रीदिंग एंड यू आर एबल टू वॉक अराउंड विद एनीथिंग दैट ट्रबल्स यू। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।